जय हिंद। आज चर्चा करते हैं मापन और मूल्यांकन के प्रश्नों पर। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कथन किसका है? कोठारी आयोग, UGC, NCERT, मुदालियर कमीशन। तो इसमें आपका NCERT सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है, कथन है? कोठारी आयोग का, मुदालियर आयोग का, नई शिक्षा नीति का, राम मूर्ति समिति का। तो ये आपका मुदालियर आयोग का कथन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, कथन है? टारगर्सन एवं एडम्स का, रैमर्स व गेज का, क्वालिन तथा हन्ना का, NCERT का। तो इसमें आपका रैमर्स व गेज का, बी ऑप्शन सही होता है। चौथा प्रश्न है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 4, 6, 8, 2। तो इसमें आपका 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, पहला ऑप्शन सही होता है, ए ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है, घटनाओं का ज्ञान, प्रतिक्रिया करना, चरित्रीकरण करना, स्वभावीकरण करना। तो मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष जो आपका होता है वो स्वभावीकरण करना होता है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। तो इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर कोई नहीं होता है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है और व्यवस्थित पद्धति है, उपरोक्त सभी सत्य। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी सत्य, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होता है। ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। नवा नंबर का क्वेश्चन है, मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। दसवां प्रश्न है, वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में जांच के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो जांच के स्थान पर आपका परीक्षा, टेस्ट, मापन एवं मूल्यांकन, ये सभी। तो इसमें आपका मापन एवं मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मापन तथा मूल्यांकन में है व्यापकता, सरलता, समानता, अंतर। तो मापन तथा मूल्यांकन में अंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सेट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अध्यापन क्रियाओं द्वारा छात्र के पक्षों का विकास किया जाता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी। तो इसमें आपका ये सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य रूप से मापन का अर्थ के रूप में वर्णित है, अंकों के रूप में, शब्दों के रूप में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होता है, ए ऑप्शन सही होता है, अंकों के रूप में। तीसरा प्रश्न है, मापन मूल्यांकन का है दूसरा पद, पहला पद, तीसरा पद, ये सभी। तो ये पहला पद होता है, बी ऑप्शन सही होता है। चौथा प्रश्न है, मापन तथा मूल्यांकन में है व्यापकता, सरलता, समानता, अंतर। तो मापन तथा मूल्यांकन में अंतर होता है, आपका डी ऑप्शन सही होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मापन मूल्यांकन में समाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है
मूल्य का अंकन, परीक्षा का अंकन, वस्तुओं का अंकन, ये सभी। तो ये बात मूल्यांकन की कह रहा है। तो मूल्यांकन में का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन। तो आपका ए ऑप्शन सही होता है वैल्यूज। वैल्यूज का हम न्यूमेरिफिकेशन करते हैं, मूल्यों का अंकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं रुचियां, सूचना, बुद्धि, ये सभी। तो ये सभी क्षेत्र होते हैं। 7वां प्रश्न है, परीक्षण एक शब्द है, छोटा, व्यापक, सरल, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षण जो शब्द है आपका एक व्यापक शब्द है, व्यापक टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन होता है निदानात्मक, क्रियात्मक, उपचारात्मक, ये सभी। तो मूल्यांकन आपका निदानात्मक होता है, 8वें में ये ऑप्शन सही होता है। देखिए, जब मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन में कोई कमी या त्रुटि दिखाई देती है, तब हम पीछे बैक में जाकर अपनी कक्षा में बच्चों के छात्रों की कमियों की त्रुटियों का पता लगा लेते हैं, उनके कारणों को जान लेते हैं और फिर उनको हम संशोधित कर लेते हैं। तो इसी कारण कहा गया है कि मूल्यांकन होता है निदानात्मक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।